इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक ने लगातार 153वां टेस्ट मैच खेलकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स में गुरुवार से शुरू हुआ पहला टेस्ट मैच कुक का इस फॉर्मेट में लगातार 153वां मैच है। कुक का वैसे ये 155वां टेस्ट मैच है, लेकिन कुक ने 2006 में भारत के खिलाफ नागपुर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और उस मैच में शतक भी जड़ा था, लेकिन बीमार होने के बाद उस सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे। कुक ने हालांकि इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से हर टेस्ट मैच खेला। उनके नाम पर 12,000 से अधिक टेस्ट रन दर्ज हैं। बॉर्डर ने अपना 153वां टेस्ट मैच खेला था, तब वो 38 साल के थे, जबकि कुक अभी 33 साल के हैं। बॉर्डर ने इसे कुक की उल्लेखनीय उपलब्धि करार दिया। उन्होंने हाल ही में कहा कि मुझे विश्वास नहीं था कि कोई लगातार टेस्ट मैचों में खेलने के मेरे रिकॉर्ड के करीब भी पहुंच पाएगा, लेकिन ये शानदार है। मैं पिछले कई सालों से उनका प्रशंसक रहा हूं। कुक हालांकि अभी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 244 रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उन पर काफी दबाव है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।